हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम एस ए वन एग्जाम ओडिया गोटे क्वेश्चन सेट डिस्कस करवा से भिडियोटी को शेष पर्यटन देखु आउ चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम ओडिया गोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करवा। देखु सबू सर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सारापर लास्ट कौन करेंगे सेट प्रैक्टिस करेंगे है जहाँकि तुमको एग्जाम भल मार्क हेल्प कर। तो देखु प्रथम क्वेश्चन कौन दे उत्कलर मंदिर क्यों कला द्वारा सुशोभित। उत्कलर मंदिर क्यों कला द्वारा सुशोभित क्यों कला हो चारुकला द्वारा ऑप्शन बी। दुई नंबर क्वेश्चन कही तालतमाल वृक्ष केउठार शोभा पाइबा कथा कवि वर्णना करउठार तालतमाल केउठार शोभा पाइबार कथा कवि वर्णना करउठारे ना समुद्र तटरे। तुमर साहित्यर साहित्य बहुत आसो 30 मार्क साहित्य व्याकरण आसो 20 मार्क है। तो देख तीन नंबर क्वेश्चन कही सिंहनाद क्यों पथरे आगमन कला क्यों पथरे ना आकाश पथरे ऑप्शन ए जब ठीक आंसर। चार नंबर क्वेश्चन जीवा सारला दास महाभारत रचना करने समय किए ओडिशार गजपति थिले किए थिले कपिलेन्द्र देव ऑप्शन ए जीव राइट आंसर। तापर जीवा पांच नंबर क्वेश्चन को रामचंद्र को मन में केते बेले विस्मय भाव सृष्टि होता केते बेले विस्मय भाव सृष्टि होता केते बेले होता ना सिंधु को पोतवापी विफल होबार हैला। तापर जीवा छ नंबर क्वेश्चन को शुक सारण परिचय कौन थी शुक सारण परिचय कौन थी शुक सारण हूँ रावण दुई मंत्री है राइट आंसर कौन ऑप्शन डी रावण दुई मंत्री। तापर जीवा सात नंबर क्वेश्चन को मीन मैंने केउठा को डेई प्राण देवे कवि कहते केउठा डेईकि प्राण देवे कवि कहते केउठा को डेईकि ना तरी गर्भ को है। आठ नंबर क्वेश्चन कही संगीत आवेश मन नाना रूप से केउठार विचरण करे संगीत आवेश मन नाना रूप से केउठार विचरण करे केउठार करे ना अतीन्द्रिय देश है ऑप्शन सी ए जीव राइट आंसर। तापर जीवा नौ नंबर क्वेश्चन को छाया मिश्रित आलोक बनस्थल दृश्य कहा रूप पर तुलना कर कहा रूप सहित तुलना करूप सहित तुलना कर सर्पभूषित महादेव तनुर दृश्य। दस नंबर क्वेश्चन कही कवि क्या उत्कल भुवन में मृत्युंजय क्या कहते ना बलदेव रथ को है। एगार नंबर क्वेश्चन जीवा क्यों मसीह भद्रक हाईस्कल एक संवर्धना सभा कर लक्ष्मीकांत को कांतकवि रूपे घोषणा करो मसीह ना 1934 मसीह भद्रक पिला के मातिबारु लक्ष्मीकांत को कटक पठावाला केउठे मातिबारु आंसर है नाटक अभिनय ऑप्शन डी नाटक अभिनय। तेरह नंबर क्वेश्चन कही क्या देखा करने को लक्ष्मीकांत पूरी जाते क्या देखा करने को लक्ष्मीकांत पूरी जाते क्या देखा करने को ना उमाचरण को। तापर जीवा चौदह नंबर क्वेश्चन को क्यों समय जन्मभूमि फल पुष्प शाक और तंडुल ढाड़ी ताको शिशु प्राण को परिपृष्ट करथिबा कथा प्रावंदिक कहिछन्ति केउ समय रे आंसर हिजब विषम विपाक समय रे ऑप्शन डी विषम विपाक समय रे। 15 नंबर क्वेश्चन जीवा लेखकों पई पल्लीमाटी शिक्षयित्री भूमिका रे अवतीर्ण हेबार कारण कौन कारणटा कौन ना से पल्लीमाटी रो रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय देथिबारु हैला से पल्लीमाटी रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय दे प्रथम शिक्षयित्री भूमिका अवतीर्ण कर। 16 नंबर क्वेश्चन कही कौन सी एक सभ्यता उच्चतर व न्यूनतर बोली किपर निर्णय कराए कौन सी गोटे सभ्यता उच्चतर व न्यूनतर बोली किपर निर्णय कराए किपर कराए ना विभिन्न विभाग होता उन्नति को आधार करके। तापर जीवा 17 नंबर क्वेश्चन को शिक्षित मानक पक्षे कौन छाड़ा संभव ही नए शिक्षित मानक पक्षे कौन छाड़ा संभव होता है कौन छाड़ा ना शारीरिक श्रम।
18 नंबर क्वेश्चन कहिछि राजनैतिक मतवाद अनुसार केउ मानकर मानसिक परिवर्तन घटी जाइछि। राजनैतिक मतवाद अनुसार केउ मानकर मानसिक परिवर्तन घटी जाइछि केउ मानकर ना शिक्षित ओ अर्धशिक्षित नवजुवक मानकर। 19 नंबर क्वेश्चन जीवा जन्मभूमि को फेरी जीवा को प्रावधिक निकट में क्यों साहस नथिला ना नैतिक साहस नथिला। 20 नंबर क्वेश्चन जीवा भोग क्यों सभ्यतार आदर्श नथिला भोग क्यों सभ्यतार आदर्श नथिला ना प्राचीन भारतीय सभ्यता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर प्राचीन भारतीय सभ्यता। 21 नंबर क्वेश्चन जीवा काठ कोठाली को काठ चिरा बाबद को केते मजूरी देवा स्थिर होता काठ कोठाली को काठ चिरा बाबद को केते मजूरी देवा स्थिर होता केते मजूरी देवा ना 3 टका 12 अणा। ऑप्शन सी 3 टका 12 अणा। तापर जीवा 22 नंबर क्वेश्चन को बाबूंकर काठ कोटा स्थान रे केउ गछ थिला बाबूंकर काठ कोटा स्थान रे केउ गछ थिला ना बेगुनिया गछ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर बेगुनिया गछ। 23 नंबर क्वेश्चन होउची काठ चिराटे घंटे देढ़ घंटा भितर केते काठ चिरी देला घंटे देढ़ घंटा भितर से अधा अधि काठ चिरी देला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कहिछि गोदाम रे सुखी ठण ठण करथुवा काठ की प्रकार काठ थिला गोदाम रे सुखी ठण ठण करथुवा काठ की प्रकार काठ थिला की प्रकार काठ ना ध काठ हेला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 25 नंबर जीवा आपण कौन इतिहास पुरुष यही कथा किए पचारिंट आपण कौन इतिहास पुरुष यही कथा किए पचारिंट ना अंगद पचारिंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहा सहित ताल पक चलवा अंगद पक्षे सहज ना कहा सहित ना से दीर्घ दे पुरुष सहित। 27 नंबर क्वेश्चन कही कलिंग एक अति संकट मुहूर्त आसी पहुँची यही कथा किए कहते ये कथा किए कहते ना महामंत्री कहते। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन कही कैप्टन महापात्र सांगे भौणी व्यतीत आउ किए आसी भौणी व्यतीत आउ किए आसी ना तांको झीओ आसी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। काठजोड़ी पोल उपर जीवा समय रे बापा एटा कटक ना बोली किए पचारिथिला। आंसर इज बेबी पचारिथिला हैला कैप्टन महापात्र झीओ। 30 नंबर क्वेश्चन जीवा तो देख 30 नंबर क्वेश्चन थिला देखो भल पाइबा गौरव विषय न हो पारे किंतु पाप तो नुहे यही कथा किए क्या भल पाइबा गौरव विषय न हो पारे किंतु पाप तो नुहे यही कथा किए क्या ना पूरबी सुब्रत को कहते। तो ये तुम साहित्य बहर क्वेश्चन आंसर एवं जहाँ आम देखा से तुम ओडिया व्याकरण है देख छेली गीत गाऊँ यह वाक्य नुहे कहीं छेली गीत गाऊँ यह वाक्य नुहे कहीं योग्यतार अभाव जो छेली के गीत गाईपर कि ना बुझा पड़ा तेज ये कौन अभाव रोचे योग्यता छेली कौन गीत गाइबार योग्यता नहीं राइट आंसर कोड़ा जीव योग्यतार अभाव जो। 32 नंबर क्वेश्चन जीवा परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहर से गठित वाक्य केउ प्रकार वाक्य दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहर से गठित वाक्य को कौन कहुए ना जौगिक वाक्य हैला। 33 नंबर क्वेश्चन जीवा आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति यह केउ प्रकार वाक्य आमर साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति यह केउ प्रकार वाक्य ना गोटे सरल वाक्य हैला। तापर जीवा 34 नंबर क्वेश्चन को विजय कलिकता जीव वाच्य परिवर्तन कर विजय कलिकता जीव एठारे वाच्य परिवर्तन कले कौन होच्य परिवर्तन कले कौन हम ना विजयर कलिकता जीवा हेब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर विजयर कलिकता जीवा हेब। 35 नंबर क्वेश्चन कही राधाश्याम भल भाषण दे पारती यह कि प्रकार वाक्य राधाश्याम भल भाषण दे पारती यह कि प्रकार वाक्य ना गोटे कौन कर्तृवाच्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन से प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को कि प्रकार वाक्य कहुए कौन सी प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को कौन कहुए ना प्रश्न सूचक वाक्य। 37 नंबर क्वेश्चन जीवा
अर्पिता यात्रा देखे नाई बोली कहिला। उक्ति परिवर्तन कर। अर्पिता यात्रा देखे नाई बोली कहिला। एठारे उक्ति परिवर्तन कर। उक्ति परिवर्तन कले कौन हो ना अर्पिता कहिला मु यात्रा देखे नाही। अर्पिता कहिला मु यात्रा देखे नाही। 38 नंबर क्वेश्चन जीवा पद मध्य केउंटे हेबाकु अणत्व विधि कहुजे। पद मध्य केउंटा हेबाकु अणत्व विधि कहुजे ना न स्थान रे अण हेबाकु हैला न स्थान रे अण हेबाकु। 39 नंबर क्वेश्चन जीवा केउं केउं वर्ण परे स थिले सर परिवर्तन हुए नाही। केउं केउं वर्ण परे स थिले सर परिवर्तन हुए नाही। को वर्ण ना अ आउ आ परे। 40 नंबर क्वेश्चन जीवा दर्पण एठारे र न मध्य केउं वर्णर व्यवधान अछि। दर्पण हैला एठे र आउ न मध्य केउं वर्णर व्यवधान अछि। केउं वर्ण ना प वर्ण हैला दर्पण ना कि र न मध्य कि आसला प आसला। 41 नंबर क्वेश्चन देख केउं प्रत्यय युक्त हेले स स हबनी। केउं प्रत्यय युक्त हेले स स हबनी। केउं प्रत्यय ना सात प्रत्यय ऑप्शन सी ए जीव राइट आंसर। तापर जीवा 42 नंबर क्वेश्चन को जनता मानकर एहाकु शुद्ध करी लिखिले कौन हबो। जनता मानकर को शुद्ध कले कौन हबो जनतार सेमिति आधिक्यता शब्दटी केउं प्रकार अशुद्धि। आधिक्यता शब्दटी केउं प्रकार अशुद्धि। केउं प्रकार ना विशेष्य आउ विशेषणगत अशुद्धि। 44 नंबर क्वेश्चन कहि शिक्षयत्री शब्द को शुद्ध कर लिखिले कौन हम शिक्षयत्री देख अशुद्ध हो शुद्ध कले कौन हम शिक्षयित्री हैला शिक्षयित्री। ठीक शब्द को बाछ इतिमदे ठीक शब्द कोड़ा कार्पण्यता ना कार्पण्य ना कार्पण्यत्य ना कृपणता कृपण्यता एथिरो कोड़ा ठीक है जीवो कोड़ा हम ना कार्पण्य ऑप्शन बी हम राइट आंसर। तापर जीवा आम 46 नंबर क्वेश्चन को समस्त वाक्य केउं क्रियाजुक्त अंशटी को खंडवाक्य कहुजे। समस्त वाक्यर केउं क्रियाजुक्त अंश को खंडवाक्य कहुजे। केउं क्रियाजुक्त अंश ना समापिका क्रियाजुक्त अंश। तापर जीवा 47 नंबर क्वेश्चन को गठित वाक्यर रूप केउं दृष्टिरु निर्धारित हुए। गठित वाक्यर रूप केउं दृष्टिरु निर्धारित हुए। केउं दृष्टिरु ना पद संहति दृष्टिरु निर्धारित हुए। वाक्यर प्रकारजात्मक रूप केते भाग विभक्त। वाक्यर प्रकारजात्मक रूप केते भाग विभक्त। केते भाग विभक्त हो ना पांच भाग विभक्त। 49 नंबर क्वेश्चन जीवा वाक्यर द्विकर्म क्रियार मुख्य कर्म केउंठारे व्यवहार कराए। वाक्यर द्विकर्मक क्रियार मुख्य कर्म केउंठारे व्यवहार कराए। केउंठारे ना गुण कर्म पर ऑप्शन ए जीव राइट आंसर। तापर जीवा लास्ट क्वेश्चन गृहित शब्दटी केउं प्रकार अशुद्धि। गृहित शब्दटी केउं प्रकार अशुद्धि। केउं प्रकार अशुद्धि ना कृदंतगत अशुद्धि हैला। तो ये थिला तुम्हारो ओडियार ऑब्जेक्टिव सेट। नेक्स्ट वीडियो रे आमे ओडियार सब्जेक्टिव सेट देखिबा। तो आज पे इतिकी पुनी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।